आ गए क्या लाइव? आ गए क्या? अरे क्या हो गया, लाइव आ गए लग रहा है। आवाज आ रही है तो बोलो। हाँ 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 आ गए क्या लाइव? चलो बढ़िया। अच्छा तो अभी सीन क्या है, अभी मैं हूँ बम्बई में और मुंबई से मेरी फ्लाइट है अभी 10:15 की, और मेरे को दो जगह जाके वापस एयरपोर्ट जाना है, तो मैं शायद पहुंच ना पाऊँ, पर उम्मीद है पहुंच जाएंगे जल्दी, ट्रैफिक बहुत है। तो आज आने का यहाँ मकसद मेन क्या है, मतलब कुछ बहुत स्पेशल चीज़ है। एक 3 साल पहले चैनल शुरू किया था बीबी की वाइंस, कुछ नहीं पता था कि चैनल में क्या होने वाला है, क्या करने वाला हूँ मैं चैनल में, पर हो गया। मतलब जैसे जैसे लोग जुड़ते गए वैसे वैसे कंटेंट बनता गया, रेगुलर कंटेंट बनता गया। माइलस्टोन जैसा लोग कहते हैं उसको, बोलते हैं कि माइलस्टोन हो गया, कितना हो गया, 500,000 हो गया, फिर 1 मिलियन हो गया, फिर 2 मिलियन हो गया, 3 मिलियन हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, अब 10 मिलियन होने वाले हैं। एंड इट्स द सेम फीलिंग जो 1 मिलियन के टाइम पे थी। इन 3 साल के दौरान मैंने ये नोटिस किया है कि कैसे मैं मेंटली ग्रो किया हूँ बहुत ज़्यादा, और कैसे ग्रो किया है मेरे साथ साथ, और कैसे मेरी ऑडियंस मेरे साथ साथ ग्रो की है। एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्पेशल फीलिंग्स किसी क्रिएटर की होगी। आप 100,000 हिट करें, आप 5 लाख हिट करें, आप 6 लाख हिट करें, आप 1 मिलियन हिट करें, इट्स ऑलवेज द सेम फीलिंग, यू फील प्राउड ऑफ योर सेल्फ। एंड आई थैंक यू गाइज फॉर बींग अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी। बहुत मज़ा आया है आप लोगों के साथ अभी तक, एंड आगे भी आएगा, क्योंकि यूट्यूब छोड़ के मैंने कहाँ जाना है। तो एक बहुत ज़रूरी अनाउंसमेंट है जिसके बारे में आज आपने देखा ही होगा इंस्टाग्राम और सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे। हमेशा से सपना देखा था कि मेरी खुद की एक प्रोडक्शन हाउस हो, हमेशा से सोचा था एक खुद का कुछ वेंचर हो, तो आज फाइनली वो पोस्टर आ चुका है, वो एक अनाउंसमेंट कर चुके हैं हम लोग कि 1 महीने पहले हमने शूट किया था दिस शॉर्ट फिल्म कॉल्ड प्लस माइनस, एंड इट्स अ वेरी स्पेशल थिंग। मैंने जब इसका नरेशन सुना था पहली बार तो आई वॉज ब्लोन अवे, मेरे तोते उड़ गए थे। नरेशन के टाइम जब मुझे स्क्रिप्ट पढ़ाई गई थी तो मुझे बोला गया था कि यार ये करोगे? आई लाइक क्यों नहीं करूँगा मैं ये चीज़, ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है कि कोई भी इसको अगर देखेगा या सुनेगा भी तो उसको गूजबम्स आ जाएंगे। एंड सिमिलरली मेरे साथ भी यही हुआ, तो ये करने की मेरी इच्छा थी। एंड फाइनली जब वो ऑन पेपर हुआ, जब सब कुछ हुआ, तो वी थॉट सिख्या एंटरटेनमेंट के साथ, गुनीत मैम के साथ, एंड ज्योति कपूर दास इज़ डायरेक्टिंग इट, एंड शी इज़ डन चटनी, चटनी द शॉर्ट फिल्म, और वो आप यूट्यूब पे देख सकते हो। बट उन्होंने जब मुझे बोला कि हम लोग ये करना चाह रहे हैं तुम्हारे साथ, एंड आई वाज लाइक प्लीज़ करते हैं इसको जल्दी, एंड फाइनली इट हैपेंड। एंड जैसा कि आपने पोस्टर देखा आज, तो आई एम प्लेइंग समवन स्पेशल, एंड वो आपको तभी पता लगेगा जब आप वो शॉर्ट फिल्म देखोगे। वो शॉर्ट फिल्म और कहीं नहीं आएगी, मेरी ऑडियंस, मेरे भाई लोग, मेरे सारे दोस्त कहाँ हैं? सारे यूट्यूब पे हैं। तो वो शॉर्ट फिल्म कहीं और नहीं आएगी, वो मेरे यूट्यूब चैनल पे आएगी, वो बीबी की वाइंस पे आएगी 14 तारीख को, 14 सितंबर को। एंड ये कुछ ऐसी चीज़ है जो मैंने आज से पहले कभी नहीं किया है। इट्स अ टॉपिक जिसके बारे में मैंने कभी बात नहीं की है, लेकिन आई हैव ऑलवेज फेल्ट फॉर इट, फेल्ट अबाउट इट, और ये वो टॉपिक है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। एंड आई थिंक नहीं, आई अश्योर यू गाइज कि इसके बाद, ये शॉर्ट फिल्म के बाद आप लोग कहोगे कि क्या ऐसा भी होता है। एंड आई वॉज लकी इनफ कि मैं दिव्या दत्ता मैम के साथ मैंने काम किया है, और सारी लाइनें भूल गया था जब मैंने उनके साथ काम किया। तो आप एकदम स्टार स्टक हो जाते हो कि अरे बाप रे, इतनी लेजेंडरी, इतनी सीनियर एक्ट्रेस आपके सामने बैठी है, एंड आपको अपनी लाइंस बोलनी है, एंड शी इज़ देयर राइट देयर स्टेयरिंग इनटू योर आईज, एंड तब आपको लगता है कि बाप रे, यही चांस है, यही, इसी के लिए तो तूने इतनी मेहनत की है, तो आज कर दे। और जब वो क्लैप हुआ, लाइट्स, कैमरा, एक्शन हुआ, मैं सारी लाइनें भूल गया। दैट वॉज माई फर्स्ट हाफ एन आवर एक्सपीरियंस विद हर, और बड़ी एम्बेरसमेंट हुई, बट उसके बाद सब कुछ हो गया एंड बहुत अच्छे से हुआ। शी इज़ वेरी स्वीट, द एंटायर क्रू इज़ वेरी स्वीट, थैंक्स टू मिवी फॉर बींग अ पार्ट ऑफ दिस। एंड बहुत मज़ेदार
मैं आपको बता नहीं सकता मैं कैसे कंटेन कर रहा हूँ अपनी हैप्पीनेस। ये सब कुछ था, ये मैंने, रोहित ने, ओमकार और तुषार ने, हम सब ने सपना देखा था कि हम इसको करेंगे एंड फाइनली इट्स हैपनिंग। और बहुत खुश हैं हम लोग, हम सारे इतने खुश हैं इस प्रोजेक्ट से कि बस अब वेट कर रहे हैं। मैं इसका कल कट देख के आऊँ, पहला कट देख के आऊँ एंड द फर्स्ट कट लुक्स मज़ेदार। और डोंट एक्सपेक्ट कि ये कुछ बीबी के वाइंस की तरह होगा, नहीं, ये समथिंग, दिस इज समथिंग सीरियस जो हमें सबको पता होना चाहिए लेकिन हमें नहीं पता। एंड आई एम श्योर सबकी उम्मीदें इसके साथ जुड़ी हुई हैं एंड आई होपफुली खरे उतरेंगे हम सब उस पर। तो ये है 14th सितंबर को आ रहा है प्लस माइनस बीबी की वाइंस प्रोडक्शन एंड सिख एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स। एंड आप लोगों ने जितना भी मुझे प्यार दिया है अभी तक, उसका कंपैरिजन किसी की तुलना में नहीं है, कोई तुलना में नहीं है। मैं किसी के साथ उस प्यार का कंपैरिजन कर नहीं सकता हूँ। आई एम सो ब्लेस्ड, मैं खुद को इतना लकी मानता हूँ कि मेरे पास एक ऐसी ऑडियंस है जो मेरे को उतना प्यार करती है जितना कोई अपने भाई बहन को करता है, जितना कोई अपने बेटे को करता है। एंड ये चीज़ आपके सामने पेश करने में मुझे बहुत मज़ा आएगा। और अब क्या बोलूँ, अभी 10 मिलियन होने वाले हैं बहुत जल्दी, जब होंगे तब देखी जाएगी। बट ऐसा कंटेंट करने में मज़ा आता है, प्लस माइनस की तरह जैसा कंटेंट जो मैं कर रहा हूँ आने वाले कुछ टाइम में, वो करने में इतना मज़ा आता है कि आप क्रिएटिवली ये सोचते हो कि अगर मैं 5 साल बाद भी ऐसे कंटेंट को पीछे मुड़ के देखूंगा तो आई विल बी प्राउड ऑफ माई सेल्फ। एंड दिस इज़ वन ऑफ दोज प्रोजेक्ट्स जिसको मेरे को अभी से ही थोड़ा अच्छा फीलिंग आ रहा है कि थैंक गॉड कि बट इट इज़ समथिंग विच आई हैव डन ओवर फिट। और देखते हैं अभी क्या है, और तब तक तो करते हैं बातें। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं जो कि मुझे समझ नहीं आ रहे, इतने सारे आ रहे हैं कि सब ऊपर ऊपर जा रहे हैं, ऊपर ऊपर जा रहे हैं। टीटू मामा जिंदाबाद, टीटू मामा हमेशा से जिंदाबाद है। और आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि आज जो पोस्टर डाला है प्लस माइनस का, उसको सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे शेयर कीजिए एंड बताइए सबको कि यूट्यूब पे भुवन की शॉर्ट फिल्म आने वाली है विच इज़ कॉल्ड प्लस माइनस। एंड आई एम श्योर आपको वो बहुत पसंद आएगी, इट्स एन आई ओपनर एंड मतलब बहुत ज़्यादा। और हैशटैग भुवन बाम, हैशटैग प्लस माइनस, वो चीज़ करना जो आप हमेशा से पैशनेट रहे हो वो अलग चीज़ है। एंड दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों का बैलेंस ज़रूरी है। अभी 2-3 दिन पहले एंग्री मास्टर जी आई थी एंड जो ज़बरदस्त किस्म का प्यार मिला आप लोगों का, मैं क्या बताऊँ। मास्टर जी को तो सब प्यार करते ही हैं, मास्टर जी को जितना भी रोस्ट कर लूँ मैं, सबको मज़ा आता है वो देखने में। और मुझे पता है जो लोग मेरा कंटेंट सीरियसली मुझे देखते हैं, मुझे सीरियसली चाहते हैं, वो लोग पक्का प्लस माइनस देखेंगे बिकॉज यू। एंड 14 सितंबर को आ रहा है, तो स्टे ट्यून्ड। एंड अपने दोस्तों को बोलिए कि जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, आई एम श्योर बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया बीबी की वाइंस को अभी भी, क्योंकि आलस खा जाते अपनी। पर अगर आपने नहीं किया सब्सक्राइब तो आप कीजिए, ताकि 14 तारीख को जब प्लस माइनस आए तो सब लोग एक साथ बैठ के देखें। एंड बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही हैं इस महीने और अगले महीने भी, तो धीरे धीरे करके सब खुलासे होंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों अभी लाइव आने के लिए, और काफ़ी जनता आई थी लाइव। फ़ोन गर्म हो रहा है और यहाँ हाईवे पे नेटवर्क भी जा रहा है धीरे धीरे। तो मिलते हैं, भेटू लवकर, आणि 14th को मुलाकात होगी। और हमेशा की तरह कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड टेल योर फ्रेंड्स टू सब्सक्राइब। मैंने कितनी 120 वीडियो होंगी, उसमें से आज तक कभी नहीं बोला किसी को सब्सक्राइब करने के लिए, पर जैसे जैसे वो घड़ी नज़दीक आ रही है तब आपको लगता है कि कर दो ना सब्सक्राइब। तो अपने दोस्तों को बोल दो कर दे सब्सक्राइब, क्योंकि वो एक बार 10 मिलियन हो जाएगा ना, फिर उसके बाद वो नंबर अच्छा लगेगा, 9.7 9.8, थोड़ा अजीब सा लग रहा है क्योंकि मैंने कभी नहीं बोला। मेरी जब बचपन में 6.7 ग्रेड होता था, मैंने कभी 6.7 नहीं बोला, मैंने हमेशा 7 बोला है। तो हालांकि मैंने सबको बोलना शुरू कर दिया है, सारे बुजुर्गों को, कि मेरे 10 मिलियन हो गए हैं, पर कर दो। मैं तो कह रहा हूँ आजकल में कर ही दो, शेयर कर करके सबको बता दो कि इसके 10 कर दें। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अब मैं लेता हूँ अलविदा, क्योंकि ट्रैफिक बहुत है और फ़ोन हो रहा है गर्म, हाथों में बैटरी चटके और मेरे को आ रहा है बहुत तेज सुसु, तो मेरे को भागना पड़ेगा। एंड थैंक्स फॉर कमिंग लाइव प्लस माइनस 14 सितंबर, बीबी की वाइंस प्रोडक्शन एंड सिक्खे एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स प्लस माइनस, फीचरिंग भुवन बाम एंड दिव्या दत्ता मैम।